ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान भी आते जा रहे हैं। चुनावी साल में प्रवेश कर चुकी राजस्थान की राजनीति में इन दिनों जमकर बयानबाजी का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो शब्द बाण चल ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी ही पार्टी के मुखिया को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सियासी गलियारों में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास ने अचानक से सचिन पायलट की तारीफ कर एक बड़ा सियासी यूटर्न लिया है। इसके बाद अब मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया है। खजुरियावास ने सीएम गहलोत के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाकर चुनावी साल में नाराज नेताओं को मनाने और पावर डिसेंट्रलाइज करने की मांग की है। साथ ही खजुरियावास ने सचिन पायलट से नाराजगी नहीं होने की बात दोहराते हुए पायलट को बड़े जनाधार वाला नेता बताया है। एक मीडिया संस्थान को दिए गए साक्षात्कार में मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास ने कहा कि पार्टी में नाराज लोगों को राजी करने की ड्यूटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। गहलोत साहब को अब भीष्म पितामह की भूमिका में आना चाहिए। पूरे राजस्थान में नए नए लोगों को जोड़ना चाहिए। कोई नाराज है तो उसे राजी करना मुख्यमंत्री की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी थोड़ी है। खजुरियावास ने आगे कहा कि आखिरी सांस तक तो राजनीति हम भी करेंगे, तो क्या अब बच्चों से लड़ेंगे? क्या यह अच्छा लगता है? खजुरियावास ने आगे सचिन पायलट को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अब भी सचिन पायलट के पीछे ही पड़े रहोगे क्या? सचिन पायलट को यूज तो करना ही पड़ेगा। सचिन पायलट का भी अपना बड़ा जनाधार है, पार्टी के हर नेता का अपना जनाधार है, उन्हें सबको साथ लेकर काम करना होगा। खजुरियावास ने अपने और पायलट के रिश्ते पर कहा कि सचिन पायलट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट और हम दोनों लगातार लड़े थे, हम दोनों ने आंदोलन किए थे। पायलट साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं जयपुर का अध्यक्ष था। मंत्री खजुरियावास ने आगे कहा कि मैं न तो गहलोत गुट में हूँ, न पायलट खेमे में हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो कहूँगा। हमारी पार्टी में बात रखने का हक सबको है, मैं पहले भी बात रखता आया हूँ। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास ने आगे कहा कि गहलोत साहब अच्छे नेता है, उनकी हजार अच्छाइयां होगी, लेकिन आदमी को सेल्फ स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। सब कुछ मेरे लिए ही तुम करो, ऐसा कैसे चलेगा? चाहे कोई हो, आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को यह थोड़ी करना चाहिए, यह अफसर मेरा है, यह मंत्री मेरा है। जब लड़ाई चली तो सब विधायकों ने गहलोत साहब का साथ दिया था। खजुरियावास ने आगे कहा कि गहलोत साहब को किसी से भेदभाव करने का हक नहीं है। जितना इस पार्टी ने गहलोत साहब को दिया है, उतना किसी को नहीं दिया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी से लेकर हर नेता ने गहलोत साहब को पद दिए। कांग्रेस हाईकमान ने उन पर विश्वास करके 3-3 बार सीएम बनाया। अब उन्हें एक एक व्यक्ति का दिल जीतने के लिए काम करना चाहिए। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खजुरियावास ने इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि तीसरी बार कोई भी सीएम बने, आप किसी पर भरोसा नहीं करो, जिद्दी हो जाओ, मनमानी करने लगो कि सब कुछ मैं ही करूं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, यह नहीं चलता। कभी कोई पार्टी मैं से नहीं चलती, हम से चलती है। किसी नेता को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति के भरोसे सत्ता नहीं आती है। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि केवल अकेले के दम पर राज आता है। पूरी टीम मिलकर काम करती है और सामूहिक लीडरशिप में काम होता है। 200 विधानसभा सीटों पर मैदान में आपके पॉपुलर लोग निकलते हैं, तब जीत मिलती है। किसी एक नेता के भरोसे ही पार्टी थोड़ी चलती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।